गाइस वेलकम बैक एंड टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू स्टेप्स से आप ऐड करोगे अपने मॉर्निंग रूटीन में तो आपको मिलेगा फ्लॉलेस और क्रिस्टल क्लियर स्किन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट कीजिए अपने दिन को रिफ्रेशिंग लेमन वाटर ड्रिंक से। तो हमें एक नींबू चाहिए जिसको हम हाफ कर लेंगे। हमें चाहिए ल्यूक वार्म वाटर यानी उसे गर्म पानी। इसमें हम नींबू को निचोड़ के उसको डाल देंगे और इस पानी को हमें सुबह सुबह पीना है। ये एक डिटॉक्स ड्रिंक भी है जिसके कई सारे फायदे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हर दिन सुबह इस पानी को आप जरूर पीजिए क्योंकि ये डिटॉक्स ड्रिंक हमारे सिस्टम को क्लियर करेगा और जिससे ऑटोमेटिकली हमारी स्किन जो है फ्लॉलेस क्लियर एंड ग्लोइंग लगेगी। इस स्टेप को आप रेगुलरली फॉलो कीजिए एंड यू विल सी अ ग्रेट रिजल्ट। नेक्स्ट स्टेप, टू वॉश योर फेस विथ नॉर्मल प्लेन वाटर। आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हो पर मैं जनरली अवॉइड करती हूँ मॉर्निंग टाइम में फेस वॉश यूज़ करना और सिर्फ पानी से अपने फेस को धोती हूँ। और मॉर्निंग टाइम में जब से मैंने फेस वॉश को बंद किया है यूज़ करना तब से मैंने अपने स्किन टेक्सचर में एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी है। थर्ड स्टेप है, आइस क्यूब्स को इंक्लूड कीजिए अपने मॉर्निंग रूटीन में। आपको पता नहीं होगा बट आइस क्यूब के इतने सारे फायदे हैं कि मैं क्या बताऊँ। आपके पफिनेस को स्किन से हटाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, प्लस आपकी स्किन को फ्लॉलेस ग्लोइंग बनाता है। कोई पिंपल या रैशेस अगर हो गया है तो उसको भी काम डाउन करता है, स्किन को सूदिंग इफेक्ट करता है। बट डायरेक्टली आइस क्यूब को कभी भी फेस में अप्लाई मत कीजिएगा, इसे एक कपड़े में या टिश्यू पेपर में रैप करके ही अपने फेस पे मसाज कीजिए हल्के हल्के से। ये आपके जो भी आई बैग्स या पफिनेस है इसको हटा देगा, प्लस रेगुलरली यूज करने से आपका जो स्किन है वो ग्लोइंग बनेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी फेस का बहुत ज्यादा इन्हेंस होगा। ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज है जो हम हर दिन करते हैं और ब्रेकफास्ट में कोई भी फ्रूट्स अगर हम इंक्लूड कर ले तो हमारा ब्रेकफास्ट और भी ज्यादा हेल्दी और हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर कोई भी फ्रूट्स जो हमारे स्किन को सूट करता है वो हम खा भी सके और अपने फेस पे भी लगा सके एज ए फेस मास्क तो उसका तो क्या कहना। यहाँ पे आज मैं केला यानी बनाना यूज कर रही हूँ और मैं बनाना खा भी रही हूँ और अपने फेस में भी लगा रही हूँ। छोटा सा टुकड़ा एक केले का लीजिए और 2-3 मिनट के लिए अपने फेस में बहुत ही प्यार से जेंटली सर्कुलर मोशन में उसे रब कीजिए। केला हमारे स्किन से टैनिंग को हटाता है, पिंपल्स एक्ने को हटाता है, हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है और इसी के साथ हमारा स्किन दिखता है फ्लॉलेस एंड फ्रेश। अपने फेस में केले को अप्लाई करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए सूखने दीजिए। जब 5 मिनट बाद ये सूख जाए ठंडी पानी से अपने फेस को धो लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। इरेस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन टाइप किसी भी सीजन में आपको मॉइस्चराइजिंग की जरूरत जरूर पड़ती है। दिन में 2 बार मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से हमारा स्किन जो है वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और हमारे स्किन में ड्राई फ्लेक्स नहीं दिखते हैं। इवन अगर हमारी स्किन ऑयली सेंसिटिव और कॉम्बिनेशन है तब भी जो हमारा स्किन का ऑयल बैलेंस है वो मेंटेन होता है, पीएच बैलेंस मेंटेन होता है, इससे हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग दिखती है। फर्दर ऑयल और सीबम प्रोडक्शन रिड्यूस होने से ज्यादा ऑयली नहीं दिखती और जो पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल में रहती है। बट आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से परफेक्ट मॉइस्चराइजर चूज करना होगा। यहाँ पे मैं ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ जो मेरे स्किन को बहुत अच्छे से सूट करती है। इनफेक्ट ये हर एक स्किन टाइप को सूट करती है, ड्राई सेंसिटिव और कॉम्बिनेशन ऑयली किसी भी स्किन टाइप में आप इसे अप्लाई कर सकते हो, पर आप दूसरा कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। और अच्छा सा क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चराइजर मैं अपने फुल फेस में अच्छे से मसाज करके अप्लाई करूंगी। मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर को मसाज करती हूँ ताकि वो मेरे स्किन के अंदर एकदम डीप पेंट्रेट हो और मसाज करने से हमारा स्किन जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करने लगता है अच्छे से और वो ग्लोइंग भी दिखता है। एवरी मॉर्निंग लास्ट स्टेप जो होगा आपके स्किन केयर का वो होना चाहिए एक सनस्क्रीन। आप बाहर जा रहे हो या नहीं इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट आपको एक सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करना होगा अपने फेस पे, नेक पे या फिर किसी भी एक्सपोज्ड एरिया पे। क्योंकि हम अगर बाय मिस्टेक भी बाहर जाते हैं जैसे कपड़े सुखाने के लिए या फिर ऐसे बालकनी में खड़े होने के लिए, तब भी अगर सन रेज हमारे स्किन के
अंदर पेनिट्रेट होता है तो उससे स्किन कैंसर हो सकता है, टैनिंग और जो स्किन प्रॉब्लम्स है जैसे कि हाइपरपिगमेंटेशन और बाकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स वो तो होंगी ही होंगी। इन सारी स्किन प्रॉब्लम और स्किन कैंसर को अवॉइड करने के लिए एक अच्छा सा लेयर ऑफ सनस्क्रीन हमेशा अपने फेस में अप्लाई करो। मैं यहाँ पे वाओ का सनस्क्रीन अपने फुल फेस में अप्लाई कर रही हूँ, अपने नेक में भी अप्लाई कर रही हूँ और लास्ट में अपने हैंड्स पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूंगी। और सनस्क्रीन हमें उतना अप्लाई करना चाहिए जिससे हमें प्रोटेक्शन मिले। तो आप देख ही सकते हो मैं बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं बट जितना मेरे स्किन को चाहिए उतना सनस्क्रीन फुल फेस में अप्लाई कर रही हूँ। और सनस्क्रीन को कभी भी मसाज मत कीजिएगा अपने फेस में, इसे जस्ट आप अप्लाई करो और इसे सूखने के लिए 1 मिनट या 1.5 मिनट दे दो। बस ये आपके स्किन के अंदर अपने आप से एब्जॉर्व हो जाएगा और जब ये एब्जॉर्व हो जाएगा ना उसके बाद ही आप कोई भी दूसरा मेकअप कर सकते हो या कोई भी पाउडर वगैरह लगा सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो। आप देख ही सकते हो 1 मिनट बाद ये स्किन के अंदर मेरे एब्जॉर्व हो चुका है। और इसी के साथ हमारा ये स्किन केयर स्टेप भी खत्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी मैं। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। सब्सक्राइब के पास जो छोटू बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, स्टे ब्लेस।